उनका आज शपथ ग्रहण समारोह होना था, मुझे पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, आज भी नहीं हुआ है। तो इतने लंबे समय तक अगर अनिश्चितता रहती है, इनडिसीजन रहता है, तो लोगों में गलत प्रभाव जाता है। एक पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई कारण नहीं है कि ये अपने मंत्रिमंडल का निर्माण कर लोगों के बीच में काम ना करें। आचार संहिता के समय से सब काम अटके हुए हैं, और मुझे इस बात का भी दुख है कि सरकार बनने के बाद एक तरफ कहा जा रहा था कि पुरानी योजनाओं को हम लोग टच नहीं करेंगे। सबसे पहला प्रहार जो सरकार ने किया है वो रोज़गार पर किया है। अगर आपको योजना का नाम पसंद नहीं है, आपको काम करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, आप बदल सकते हो, लेकिन इतने हज़ारों नौजवानों को सरकार बनने के बाद बिना वजह आप उनकी नौकरियाँ समाप्त कर दें, ये एक गलत संकेत जाता है, नकारात्मक सोच है। आप नए अपॉर्चुनिटी ना दे पाएँ लेकिन जो एग्जिस्टिंग थे उनको आप बंद करें, मैं समझता हूँ बड़ा गलत है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और युवाओं को न्याय, युवाओं को रोज़गार, युवाओं को अवसर देने की बात कर ये सरकार बनी थी। और पहले कदम में, अभी तो सरकार पूरी बनी भी नहीं है, अभी तो मंत्रिमंडल का निर्माण नहीं हुआ है, शपथ नहीं हुई है मंत्रियों की, और अभी से ही इस प्रकार की सरकार के जो कदम है वो लोगों के अंदर एक अविश्वास पैदा करते हैं। बहरहाल ये उपचुनाव है, ये इम्पोर्टेंट है, हमारी पार्टी का संगठन लगा हुआ है और जनता की भावना हमारे साथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को भी एक आईना दिखाने वाला काम होगा जब 5 तारीख को मतदान यहाँ पर होगा।